भोजपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, शिवगंज इलाके से 2 करोड़ के हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश से लाई जा रही थी खेप। पटना के बीसी आवास पर छात्रों के ऊपर फायरिंग के विरोध में सड़क पर उतरे छात्र, कई जगहों पर किया प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर बीजेपी मना रही है विकास पर्व। पटना में जुटे बीजेपी के कई दिग्गज कार्यकर्ताओं से योजनाओं को गांव-गांव में पहुंचाने की अपील। राज्यसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने फाइनल किए उम्मीदवारों के नाम। मीसा भारती और राम जेठमलानी के नाम पर लगी मुहर, 30 मई को करेंगे नामांकन। कटिहार में गंगा नदी में लापता 6 किसानों में 3 का शव बरामद, 3 किसान अभी भी लापता, कल गंगा नदी में पलटी थी नाव। और अवैध शराब पर लगाम के लिए रघुवर सरकार की बड़ी पहल, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के नए एसआई और एएसआई को सीएम ने दिया नियुक्ति पत्र।